आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2023 के एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2023 का जो आपका एग्ज़ाम रिजल्ट है उसकी अब तक काफ़ी सारी अपडेट्स रिलीज़ की जा चुकी हैं। लगभग 14 अपडेट्स आपके लिए जारी की जा चुकी हैं ऑलरेडी आपके जून 2023 के एग्ज़ाम रिजल्ट की, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके किसी न किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। अभी इस समय अगर हम बात करें तो कम से कम 70% इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। अभी भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि आपका जो जून 2023 के एग्ज़ाम का रिजल्ट है, जो जिन सब्जेक्ट्स का रह गया है, वो अब आपका कितने दिनों में और अपडेट कर दिया जाएगा, और साथ में आपके रिजल्ट की नेक्स्ट अपडेट आपके लिए कब जारी की जाएगी। तो वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपकी कि नेक्स्ट अपडेट आपको अपने रिजल्ट की कब देखने को मिलेगी। लास्ट अपडेट जो आपकी आई थी वो 11 अगस्त 2023 को आई थी। 11 अगस्त के बाद से आपकी रिजल्ट की कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है। मैंने उस समय आपको बताया था कि अगर मंडे यानी कि 14 अगस्त को आपके रिजल्ट की कोई नई अपडेट आती है तो ठीक है, वरना आपका जो रिजल्ट है उसकी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको फिर सीधा 16 अगस्त को देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद बीच में आपके लिए सैटरडे संडे 2 दिन का गैप था। उसके बाद 15 अगस्त आज आपके लिए इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडे है। बीच में एक 14 अगस्त था जिसमें आपका जो इग्नू है वो ओपन रहता है, और उसके बाद फिर आप 16 अगस्त यानी कि वेडनेसडे का दिन होगा जिसमें आपका रिजल्ट जो है उसकी नेक्स्ट अपडेट आने की संभावना है। तो आपका 11 अगस्त के बाद अब 16 अगस्त यानी कि कल आपका रिजल्ट की नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें तो आपका रिजल्ट आपके लिए कब जिन सब्जेक्ट का अभी तक नहीं आया है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप रिजल्ट जो होता है वो अपडेट वाइज आपका आता है, यानी कि अगली जो अपडेट होगी उसमें कुछ सब्जेक्ट का और रिजल्ट आपके लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और इस तरीके से आपका सेप्टेम्बर के एंड तक आपका रिजल्ट जो है वो कम्प्लीटली डिक्लेयर किया जा सकता है। इस बार रिजल्ट जो है वो ज़्यादा तेजी से आपके लिए डिक्लेयर किया जा रहा है, और ज़्यादा आपका रिजल्ट जो है वो अब तक डिक्लेयर किया जा चुका है पिछली बार के मुकाबले। जब पिछली बार आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा धीरे आपकी अपडेट जो आती थी, 3 दिन 4 दिन में एक अपडेट से आपको देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार कई बार ऐसा हुआ है कि लगभग 3 या 4 दिन लगातार आपको रिजल्ट की अपडेट देखने को मिली है, और उनमें सब्जेक्ट्स भी आपके रिजल्ट में अपडेट किए गए हैं। तो इस बार इसलिए रिजल्ट जो है वो जल्दी अपडेट हो रहा है, और सेप्टेम्बर के एंड तक आपका जो रिजल्ट है वो सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो सकता है। सितंबर के एंड तक आप जानते हैं कि आपका सितंबर में दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म भी रिलीज किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स के पास मौका रहे कि अगर वो जून 2023 के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो वो दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम भी दे पाएँ। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है, आपका जो कम्प्लीट रिजल्ट है वो सेप्टेम्बर के एंड तक आ सकता है, और आपके रिजल्ट की जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपकी 16 अगस्त को यानी कि कल आपके लिए डिक्लेयर की जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।